अब मैं अपने मुअज्जज दोस्त सर्व शिक्षा सेवा समिति के मेंबर हमारे सहयोगी संचालक जनाब जावेद आलम अलीक साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहां डाइस पर तशरीफ लाएं और सर्व शिक्षा सेवा समिति के बारे में सर्व शिक्षा सेवा समिति क्या है इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। सर आपको सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। सबसे पहले आए हुए सभी क्षेत्रीय वासियों का, अतिथियों का, धर्मगुरुओं का, बच्चों का, नौनिहालों का, बुजुर्गों का, हर एक का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और पूरी महाशांति सम्मेलन टीम उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे कुछ भाइयों ने सहयोग राशि प्रदान की है, जिसमें से सबसे पहला नाम जगत मेडिकल स्टोर गैसड़ी 500 रुपए का, राजेश यादव पलेडी 50 रुपए का और बुधराम यादव परसा पलेडी 100 रुपए का सहयोग किया है। दोस्तों, सर्व शिक्षा सेवा समिति परसा पलेडी द्वारा आयोजित ये महाशांति सम्मेलन 2 जो कि पिछले साल हुआ था, एक सर्व शिक्षा सेवा समिति एक संस्था है और उस संस्था में परसा पलेडी के ही कुछ नौजवान हैं जो निरंतर समाज के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों को विभेद करने के लिए लगातार एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसका यकीनन सिर्फ परसा पलेडी ही गवाह नहीं है, बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान में परसा पलेडी को बड़े ही सम्मान और बड़े ही इज्जत के साथ इसका नाम लिया जाता रहा है। हमने या हमारी टीम ने सन 2011 में 12 में एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया। क्यों काम किया? हमने देखा कि समाज एक ऐसा समाज जिस समाज के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के मुंह के बल गिराया कौन है, तुम ही तो हो। वो समाज जिन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़कर भारत वर्ष को जो सोने की चिड़िया थी उसको आजाद करा के लेकर आए, हंसी हुई कश्ती को लेकर आए, तो समाज में हम और आपसे कहा था कि लाया हूं इस कश्ती को तूफान से निकाल कर, रखना मेरे बच्चों इसको संभाल कर। जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर, आपके ऊपर। हमने या हमारी टीम ने एक मुहिम का आगाज किया कि अगर समाज में व्याप्त बुराइयों को नष्ट करना है, मिटाना है, तो सबसे पहले हमें शिक्षा पे जोर देना होगा। और हमने 2012 से लेकर काम शुरू किया, शिक्षा पे काम करना शुरू किया, ग्रामीण प्रतिभा खोज कि ग्रामीण के प्रतिभाओं का खोज किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिनके अंदर टैलेंट भी होता है, हुनर भी होता है, जज्बा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई उनको आइडियल नहीं होता है और वो प्रतिभाएं दब कर रह जाती हैं, वो प्रतिभाएं सहम कर रह जाती हैं। हमने हिम्मत बढ़ाई कि आप हमारे साथ दो, हम तुम्हें तुम्हारे मकसद तक ले जाएंगे, हम तुमको वो सब जिंगे देंगे जो तुम्हारे पेरेंट्स कामना करते हैं और जो तुम चाहते हो। सर्व शिक्षा सेवा समिति के माध्यम से हमने 2 बच्चों को हमारी टीम ने लखनऊ तक एडमिशन दिलाया, लेकिन फिर देखा, इसी टीम ने देखा कि पूरा भारत जल रहा है, पूरे भारत में कहीं शांति का नाम नहीं है, कहीं अमन नहीं है। जो हिंदुस्तान अमन का गहवारा कहा जाता था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को अपने अपने तरह से आजादी थी, सभी धर्म और सब धर्म है, जो भी धर्म है सबको अपनी आजादी थी, लेकिन आज क्या बात है, कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन जब हमने या हमारी टीम ने आईना उठा के देखा तो पता ये चला कि पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। इसलिए हमारा ये आवाज हिंदुस्तान के लिए है और ये आवाज आप लोगों के साथ मिलकर चलनी है, आप लोगों के साथ चलाना है। मेरे हिम्मत को आप लोग सराहो। ये दूसरा टाइम है कि सर्व शिक्षा सेवा समिति परसा पलेडी महाशांति सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, इसमें आपका साथ चाहिए, आपके समाज का साथ चाहिए। और सवाल भी आप ही से है कि कब तक 14-15 सालों के लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, क्यों उनका सरे बाजार बलात्कार होता है, ये जिम्मेदार कौन है, क्या इसकी जिम्मेदार इंडियन गवर्नमेंट है या इसकी जिम्मेदार हमारी समाज है? अगर हमारी समाज है तो ऐसी
व्यवस्थाएं हमारे समाज में क्यों है, इसको नीस तो नाबूद क्यों किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, इसको नष्ट क्यों नहीं किया जाता। आइए, हमारे धर्म गुरु आए हैं, हमको वो संदेश देंगे, हमको वो पैगाम देंगे, हमको वो बात बताएंगे जो हम चाहें और अपनी जिंदगी में उसको उतारें, एक नई सुबह के साथ, एक नई सवेरे के साथ, एक नई उत्साह के साथ, एक नए हिम्मत के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए हौसले के साथ कि हम चलेंगे, सुधारेंगे इस देश को। और यह शुरुआत परसा पलेडी से होगी, क्योंकि जब मैं चाहता हूं जब हिंदुस्तान की शांति का इतिहास लिखा जाए तो ये परसा पलेडी का सबसे सुनहरे अक्षरों में नाम होना चाहिए। वो दौर ना हो कि लोग पूरी तरह से अशांति का माहौल था। हम चाहते हैं कि ये जो कार्य किया जा रहा है ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, बल्कि आने वाले जनरेशन के लिए है। ये एक ऐसा पौधा है जो पूरे भारत में शांति का एक मिसाल कायम करेगा। और जब हिंदुस्तान में शांति की मिसाल या शांति का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहले परसा पलेडी का नाम बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि 2017 का दशक जब पूरे भारत में हर तरफ जल रहा था, पूरा भारत हर तरफ इतने फसाद में जकड़ा हुआ था, उस समय हिंदुस्तान के किसी कोने में शांति की बात हो रही थी। उस दिन किसी हिंदुस्तान के कोने में और उस पूरा गांव ही नहीं बल्कि पूरा इलाका शांति के लिए कदम से कदम मिला के चल निकला था कि हिंदुस्तान को एक नई उम्मीद के साथ, एक नए सवेरे के साथ आगे ले जाना है। दोस्तों, कहीं भी वो मैं एक कहानी को खत्म करके यहाँ से अपने दोस्त को बुलाऊंगा कि संचालन की शुरुआत करें। एक कहानी है कि किसी जंगल में आग लगा हुआ था, वो जंगल बहुत तेज जल रहा था। एक गौरैया अपने चोंच में पानी लेके जाती है और उस जंगल को बुझाने का कार्य करती है। अपने चोंच से एक एक बूंद को कौवा देख के मुस्कुराता है कि गौरैया तेरे एक बूंद पानी से क्या असर होने वाला है इस थकती हुई जंगल पे। तो गौरैया ने कहा था जब इस जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाए तो मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में आए, आग जलाने वालों में नहीं। तुम लोग तमाशाई हो, तुम लोग तमाशा देख रहे हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम तमाशाई में ना रहे बल्कि एक पहल करने वालों में हो। तो मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ और यही कामना करता हूँ कि जलते हुए हिंदुस्तान में अगर किसी ने एक शम्मा जलाई है अमन की, तो तुम लोग और आप लोग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलो, हमारे हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।